आराम से। हाँ हाँ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। चलो जरा जरा आराम से जरा। हाँ हाँ आराम से ही चला रहे हैं। अरे मिराज मियां आओ। नए दिन की नई खुशी मुबारक हो जारा भाभी। वैसे मिराज मियां इतनी सुबह सुबह उठ चुके हो तुम कैसे? हाँ कबीर, हमने सोचा हम भी तुम्हारी तरह नमाज के पाबंद हो जाएं तो बस फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठ गए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ कैसे लगा हमारा ये तोहफा? जारा के लिए दिखाओ, हमें दिखाओ। हाँ कल रात को ही लिए। तोहफा तो बहुत खूबसूरत है मगर होशियारी से चलाइएगा जारा भाभी। वो क्या है ना, हमारे लखनऊ शहर की सड़कों का हाल बहुत खराब है। हमें उम्मीद है आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमारे देश में हर एक घंटे में 17 लोग जान से मर जाते हैं। किस लिए? रोड एक्सीडेंट की वजह से। मिराज तुम जारा को खामखा डरा रहे हो, आज ही तोहफा मिला है और डर जाएगी बेचारी। वैसे मिराज की एक बात तो सही है, एहतियात से चलाना, खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। कबीर हमें नाश्ता बनाना है, हम आते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इनके साथ जाते हैं, नहीं तो इनका नाश्ता खाएगा कौन? मिराज नाश्ते के बाद मिलते। तुमने तो इस खेल को और दिलचस्प बना दिया है जाने मिराज। जिसने तुम्हें जीत लिया उसने तो पूरी दुनिया पर फतेह हासिल कर ली। ये जारा और कबीर कहाँ पर? सीनत भाभी कबीर नजर नहीं आ रहा नाश्ते के लिए, सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत ही होगा। कबीर मियाँ डाइनिंग टेबल पे तब तक नहीं आते जब तक उनकी बेगम
ज़ारा इजाज़त नहीं देती, वरना ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर, सब उनके रूम में ही भुजवा दिया जाता है। अम्मी, हाँ, हम कबीर भाई का नाश्ता उनके कमरे में ले जाएं? अलीना, चुपचाप बैठ के अपना नाश्ता करो। ठीक है, तो फिर हम उनको इधर ही बुला लाते हैं। अलीना, हमने कहा ना बैठो। बेटा, उन दोनों को तब बुलाओगी ना जब वो दोनों घर पर होंगे। पर अम्मी, इतनी सुबह सुबह दोनों कहाँ चले गए? जहाँ पर भी गए हैं बेटा, लौटेंगे दो दिन बाद ही। दो दिन बाद? लेकिन कबीर इतना काम छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं, वो भी दो दिन के लिए? आंटी, कुछ तो बताया होगा उसने आपको, कहाँ गया, क्यों गया? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि वो लोग जा रहे हैं। ना जाने ये दोनों कहाँ गए होंगे, शहर में या शहर के बाहर, जाने मिराज हम तुम्हें कहाँ ढूंढे हैं। आदत, हम क्या बोल रहे थे कि हम तुमसे हारने वाले हैं? कौन हार गया? छोड़ तो इसे। लूजर्स। ओ हेलो हेलो, हम लूजर नहीं। अरे तुम रहने दो, अपने दोस्त के बारे में बात नहीं सुनोगे? अरे रहने दो, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना रीमा, ये इतने धीरे स्कूटी चलाती कि कछुआ रेस में जीत जाए इससे। अरे तुम हर वक्त हम पे क्या इल्जाम लगाते रहते हो यार, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह, कोई नहीं हारा, खाना खाना है तो कोई नहीं हारा, खत्म। भैया, तीन पनीर टिक्का देना। अगर तुम कबीर को या किसी और को, तुमने हमारी सच्चाई बताने की कोशिश की, उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। यही अच्छा मौका है, मिराज आसपास नहीं है, हम चाहें तो कबीर को मिराज का असली चेहरा दिखा सकते हैं, पर क्या कबीर हमारी बात पर यकीन करेगा? क्या हुआ कबीर? हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। हम तुम्हें यहाँ लेकर आए ना, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, बोलो। कबीर, जब तक हम दोनों का साथ है, दूसरी तलाक तक, तीसरी तलाक तक या मौत तक, सारा नहीं।
हम चाहते हैं कि हर लम्हा हम दोनों साथ रहें, सुबह दोपहर शाम रात ऑफिस घर हर जगह, हर जगह हम तुम्हारे साये की तरह रहें। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे, बस तुम्हारे साथ रहेंगे। कबीर, क्या ये खुशी तुम हमारी ये खुशी दोगे ना हमें? बिल्कुल देंगे। हो गया खाना तैयार? हाँ। हमारे होते हुए कबीर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उसके रास्ते में आने वाले हर एक खतरे को पहले हमसे होकर गुजरना होगा। कबीर, कुछ बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं अब? हाँ, हम लोग जा कहाँ रहे हैं, किसने कुछ बताया ही नहीं। इमरान मियां और रीमा जी, यहाँ आने का प्लान किसका था? तो अगला प्लान कौन बताएगा, कहाँ जाना है हमें? हम वो खाने के बाद सोचेंगे। कबीर, तुमने कहा ना कि हर लम्हा हमें दोगे। हाँ, मगर ये सब कुछ हमारी मर्जी से होगा, तो बस किसी का फोन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं उठाएंगे फोन, खाना खा लेते। हाँ, आइए। आओ। अस्सलामुअलैकुम। हम अपनी बेगम के साथ 2 दिनों के लिए छुट्टी मनाने के लिए निकले हैं। बात और मुलाकात दोनों परसों से पहले मुमकिन नहीं है। बेगम, माय फुट, बेगम की तो मैं उन चीजों को तोड़ने का क्या मतलब है जो अपना बचाव खुद नहीं कर सकती। हमने तुम्हें एक नंबर भेजा है, उसे जल्द से जल्द ट्रेस करवाओ और पता लगाओ कि सारा और कबीर कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। जल्दी। और एक बात, जैसे ही उनका कोई भी पता लगे, कोई भी सुराग मिले, सबसे पहले कबीर को जान से मार देना। हम तुम्हें एक बात बताएं, जारा तुमसे कई गुना ज्यादा अकलमंद है। वो अपना सारा काम सूझबूझ से करती है और तुम्हें तुम्हारा ये जो गुरूर है ना, ये सही फैसला नहीं लेने देता। तुम कहना क्या चाहती हो नीलोफर? यही तो कमी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इतनी मुश्किल से तुमने अपने पैर जमाए हैं यहाँ, तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें उखाड़ कर फेंक सकता है।
कबीर की मौत, वो तुम्हारी परेशानी इतनी बढ़ा देगी ना जितना तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कह रहे हैं कबीर और जारा को पहले वापस आने दो, उसके बाद ही कोई कदम उठाना, समझे? कदम तो उठ चुका है नीलोफर। हम सच में कोई खून खराबा करना नहीं चाहते थे, मगर जारा ने हमें खुद उकसाया इस खून खराबे के पीछे। अब कुछ और हो या ना हो, कबीर को तो मरना पड़ेगा। जहां के मालिक, ऐ दिलों का हाल जानने वाले, उसकी हिफाजत फरमा दे जिसे हम अपना सब कुछ मान चुके हैं। कबीर की राह में आने वाली हर मुसीबत को हमारी तरफ मोड़ दे। जिसके लिए हमने कबीर का साथ मांगा था, उस मकसद को पूरा फरमा दे। कबीर के रास्ते में आने वाले हर खतरे को हमारे सर डाल दे। आमीन। यहाँ के कितना सुकून मिलता है ना। बुजुर्गों के अस्ताने, ये मजार वो जगह है जहाँ पर सुकून के खजाने लुटाए जा सकते हैं। अब बात है अपने अपने दामन की, जितना समेटना है समेट लो। बिल्कुल सही कहा कबीर। अच्छा, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हम क्या सोच रहे थे, लड़कों और लड़कियों का एक रेस करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो रीमा, तुम हार जाओगी, चुपचाप पीछे आके खड़ी हो जाओ। तुम चुप हो जाओ, तुम हारने वाले हो। हाँ। अरे ये लोग डर गए। सही कहा तूने, दोनों डर गए, दोनों डर रहे हैं। हेलो, वो लड़के किसी से डरते नहीं। कबीर बताओ इन्हें हम क्या हैं? इनसे क्या पूछ रहे हो, ये तो खुद पीछे बैठने वाले हैं। हम पीछे बैठने वालों में से नहीं है, नहीं। देखते हैं कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। चाबी दो। हार जाओगी, सोच लो। हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं, दो। इमरान, चाबी दो। रीमा, चाबी दो। ये लो। वो हो, मतलब आज तो साबित हो ही जाएगा कि लड़कियां लड़कों से हर चीज में आगे हैं। इट्स बॉयज वर्सेस गर्ल्स। हाँ, और जीतने वालों को 10 रुपए। 10 रुपए? मजाक कर रहे हो। अरे हमारे पास 10 रुपए ही है। 10 रुपए, 10 रुपए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम पहले ही हमें 10 रुपए दे दो, हम जीतने वाले हैं। हाँ, कभी हम सुन नहीं सकते, चलो स्टार्ट करो यार। अच्छा अच्छा रूल्स से सुन लो, तो हमें 4 किलोमीटर का रास्ता पार करना पड़ेगा। कबीर को अकेला मत छोड़ना, कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। नहीं, कबीर तुम हमारे साथ बैठो, हमें रेस वेस नहीं करनी। कबीर तुम यहाँ के हमारे साथ बैठो। अरे जारा तू पागल है क्या? नहीं नहीं रीमा, मान लो तुम लोग जीत गए। अरे इतना भी क्या प्यार है। अरे मान लो। हाँ। मान लो कि तुम बिना रेस करे हार चुके हो। लाओ 10 रुपए। क्या? डर गई? हाँ हम डर गए। जारा और कबीर स्कूटी पे है, उनमें से किसी एक को निशाना बनाना नामुमकिन होगा, इसलिए हमें दोनों को मारना पड़ेगा। चाहे जो कुछ हो जाए, ये मौका तुम्हारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नहीं मिराज, जारा और कबीर मर गए तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। एक काम करो, दोनों को खत्म कर दो, उड़ा दो इन दोनों को।
हमारी बात समझो मिराज, सारा कबीर को छोड़ दो।